क्या नाम है आपका? आपको कोर्ट की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, बहुत हल्की सी आवाज आ रही है क्या नाम है आपका? सर। नितिन कुमार अटल। ये क्रिमिनल कंटेंप्ट आपके खिलाफ रजिस्टर किया गया है, आपको जानकारी है? हाँ सर, है जानकारी है। किस कारण से आपके खिलाफ ये कंटेंप्ट रजिस्टर हुआ है? सर ये कंटेंप्ट मुझे जो है मेरे साथ विद्वेषपूर्ण तरीके से कुछ बातें जज साहब की रही हैं पिछले कुछ समय से, जिसके लिए मैंने उनके खिलाफ एक पिटीशन भी लगाया हुआ था, WP नंबर 24230। और उसकी वजह से वो कुछ मुझसे पूर्वाग्रह रखते थे, तो इस कारण से उन्होंने दिनांक 22 जनवरी को और ये मेरे लिए एक FIR दर्ज करवाया कि मैंने उनके साथ में कुछ अभद्रता किया है, गलत किया है, इस तरह की बात बताते हुए थाने पर भेज करके। जबकि श्रीमान जी, मैंने कोई अभद्रता नहीं की थी और ना मैंने कुछ गलत किया था, बल्कि ये ऐसा हुआ है सर कि वो जाइस पे से नीचे उतर करके और श्री दुबे साहब ने मेरा हाथ मरोड़ दिया और मेरे को और पूरा एक घायल कर दिया। मेरी एक ग्लैंड थी, मेरे कैंसर का एक गठान टाइप हो रहा था हाथ में, वो भी फूट गया। और उसके बाद में सर पूरे मामले की रिकॉर्डिंग मैंने की थी, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है सर मेरे फोन में, ऑडियो मेरा फोन जो था उस पे, और वो पुलिस ने जब्त भी किया हुआ है सर, जिसमें पूरी घटना है कि जज साहब ने मेरे साथ मारपीट की डाइस से नीचे उतर करके सर, और उल्टा मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगा दिया कि मैंने और उनके ऊपर कुछ गलत किया है सर। प्रमाण है सर मेरे इस बात घटना का पूरा, वहां पे खड़े हुए एक नंद किशोर चौहान एडवोकेट थे, उन्होंने भी एफिडेविट पे पूरी बात बताई थी कि जज साहब ने नीचे उतर के मेरा हाथ मरोड़ के और मेरे साथ में जो है मेरा मोबाइल भी छीन लिया सर, और मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग जो थी उसको डिलीट करने का भी प्रयास किया गया सर, और पुलिस ने उसको साइबर सेल में भेजा है मेरे मोबाइल को सर, भोपाल में। अगर आप जांच करवाएंगे सर तो मैं निर्दोष हूं सर, और यदि मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे डबल दंड दिया जाए सर, जितना भी दंड है उससे दुगना दंड में लेने को तैयार हूं। आई हैव पनिश्ड सर, और मैं पूरा बीमार होके सर, घायल होकर के और पूरा खानाबदोश जीवन जी रहा हूं सर मैं। मेरी गलती हो तो मुझे पनिश किया जाए सर, अदरवाइज मेरी कोई गलती नहीं है सर। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है, होगा इतिहास में कि जज साहब डाइस से नीचे उतर के और वकील को इस तरह से मारपीट करते हैं सर और मेरा मोबाइल छीन लेते हैं सर। जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देना, और कुछ बोलने का जरूरत सर नहीं है। सर ये जो आपके हाँ सर, खिलाफ क्रिमिनल सॉरी कंटेंप्ट सर, रजिस्टर किया गया है, सर क्रिमिनल कंटेंप्ट जो आपके खिलाफ रजिस्टर किया गया है, सर ये न्यायालय में आपने अभद्र व्यवहार किया है उस कारण से, और आपने जो न्यायालय के अंदर जो कृत्य किया उस कारण से रजिस्टर किया गया है, इस बारे में क्या कहना है आपका? सर मैं ये झूठा आरोप है सरासर, मैं इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हूं सर। मेरे पास मतलब मैंने ऐसा किया ही नहीं है सर। बाकी मैं जीवन में भी अगर मेरे से कोई गलत होगा, मैं न्यायपालिका की पूरी जो सम्मान करता हूं सर, और मैं क्षमा मांग लूं अगर मेरे मेरे अंदर से अगर मेरे कुछ मेरी किसी भावना से किसी को ठेस भी पहुंची हो, मगर सर मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं किया था सर। ठीक है, देखेंगे। यस मैं विचारण भी चाहूंगा सर, यदि कोई बात होगी तो सर मैं पूरा गवाह, मेरे पास सबूत सारे हैं इस बात के लिए कि सर मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत किया गया है। आप उपस्थित क्यों नहीं हो रहे कोर्ट में? सर मैं बीमार हूं सर, मेरे को डेंगू हो गया था और उसके पहले भी मुझे कुछ कैंसर जैसी शिकायत की भी जानकारियां और डॉक्टर ने बताया लक्षण है कुछ, यस और सर, मैं इस कारण से सर उपचार कर रहा था, और उपचार की वजह से कुछ मुझे बिल्कुल भी सलाह दी गई है कि मैं कहीं पर भी ज्यादा ट्रेवलिंग वगैरह नहीं चाहिए। और अभी खतरा। ये 8057/2024, यस वी आर सेइंग बिकॉज़ द सब्जेक्ट मैटर इज द सेम, माय लॉर्ड, इन द इवेंट दिस कंटेम्प्ट कॉजेस डेट हियर विद माय लॉर्ड, देन इट विल अफेक्ट हिज द क्रिमिनल केस दैट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम। एंड द अदर थिंग इज माय लॉर्ड, द अदर एप्लीकेशन दैट आई मूव विद रिगार्ड टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ दीस प्रोसीडिंग्स, बिकॉज़ सेक्शन 10 इटसेल्फ, माय लॉर्ड, देयर इज एन इनबिल्ट प्रोटेक्शन, द प्रोविजो टू सेक्शन एक्सक्यूज 10, आइए, सेकंड आइए। सेकेंड आई दैट इज आई ए दैट इज डॉक्टर डॉक्यूमेंट नंबर 2893, डॉक्यूमेंट नंबर 2676/24, जस्ट रीड सेक्शन 10 मैडम।
Yes. Every high court shall have and exercise the same jurisdiction, powers, and authority in accordance with same procedure and practice in respect of contempts of court subordinate to it as it has and exercises in respect of contempt of itself, provided that no high court shall take cognizance of a contempt alleged to have been committed in respect of a court subordinate to it where such contempt is an offence punishable under Indian Penal Code. Yes. So my submission is, in the first instance, the learned judge who's the complainant in the criminal proceedings had lodged an FIR, my lord, for the same incident. Yes. So, my lord, there is this protection. So these petitions, in my these incident proceedings, my lord, my humble submission are not maintained. Yes, any other submission? That's all. So far as the deferment is concerned, now there are two things that arise because of your act. One is an offense under the IPC and one is a contempt. Criminal contempt. So therefore, question of deferment will not arise. Secondly, so far as this is concerned, this is reference to para section 10. जी But what the court jurisdiction is being exercised is not necessary under 10, comes under 215. Therefore, for that, the contempt of court becomes subservient. That Supreme Court judgments are there on that point. So this IA also will have to go. Which is the other IA? There's another IA, my lord. The third IA is IA number 8936, 8936. wherein a prayer is made with regard to an independent probe in the entire incident This that will took be a place. subject matter of a contempt. This is a petition. Ultimately, my There lord. is a petition filed against you for causing a gross contempt against the court. You cannot, there is not some counterclaim that you can keep filing. There, relief, you go to whatever court you want and file whatever you want. You can't expect this. It's a contempt. It's not But a. Malar may There's not a realize. suit where you can have counterclaims. There's a writ petition pending in that regard, Malar. I have requested for the same prayer. So this also will have to go. Anything else? No, that's all, Malar. I'm in a catch-22 situation, Malar. If I come and apologize here, No, we are then, not asking you to Malar, apologize. then We are asking it's a all your conviction. secretary send you a notice The law permits that I can apologize. saying what you have to reply. That you have not done. You have only given your preliminary objection. So Preliminary things should. objections and my lord, my submission before this court saying that the incident, the way it has been made out by the complainant, my lord, is not true. This is my defense, my lord. So we will deal with it. Do you have any other affidavit to file other than your preliminary objection? We'll face the trial. Yes. IA number 8057 is an application seeking deferment of the instant contempt proceedings against the accused. It stated there that in pursuance to the alleged incident, an FIR has also been lodged against him, which has been challenged by him by filing MCRC 7847 or 24. What is it? What do you mean, old number? It was filed in Indore, my lord. It's been transferred from Indore by The taking same number remains. Before the High Court at High Court bench at Indore. Indore. Therefore, until and unless the same is disposed of, the proceedings herein should be deferred. We are unable to accept the said contention. In terms of the alleged incident, an offence under the IPC could, may have been made out, so also a proceeding for contempt would also arise. Therefore, these are the two causes which the petitioner would have to face. There is no question of deferring the consideration of the MCRC, the consideration of this contempt, only because the MCRC is pending adjudication. Even otherwise, they said MCRC is also listed along with this petition, which I'll hear later. Hence, for these reasons, 8057 is dismissed. Okay. Document number 2676 of 24. Objection, qua my lord, proviso to section 10. 8936 an application seek an independent probe into the alleged incident through any independent agency. Various reasons are assigned to sustain the prayer for an investigation in the matter to ascertain the veracity of the so-called incident dated 22-1-2024 or 9-2-2024 through any independent agency.
We do not intend to labor much on this application since these are not proceedings where such applications could be filed. These proceedings have been initiated on the ground that a contempt of court has been committed by the accused. If at all he needs any relief of an independent probe into the alleged incident, he is always free to do so in an appropriate court. Such a prayer could not be maintained in a petition for contempt. Hence, the application is dismissed.